Hello boys and girls, welcome all. For today's lecture, we are going through chapter name biomolecules. Today we are going to see the next example, that is cellulose. आज के लेक्चर में हम लोग सेल्यूलोज के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो एक्चुअल में सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज, ठीक है? आज सेल्यूलोज के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सेल्यूलोज ये स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड होता है. सेल्यूलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है सेल्यूलोज, ठीक है? स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड, ठीक है? पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय क्या होंगे? बीटा ग्लूकोज यूनिट्स होंगे, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, जिसके अंदर में जो लिंकिंग होती है लिंक्ड बाय वन बीटा 1.4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा. बीटा 1.4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है? मतलब सेल्यूलोज के अंदर में लिंकिंग कौन सी होगी? बीटा 1.4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मतलब एक मोनोसैकेराइड का यूनिट, एक यूनिट दूसरे यूनिट से कौन से लिंकेज से जुड़ा होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो लगा है, लेकिन पोजीशन कौन सी होगी? 1.4 पोजीशन पे होगा, ठीक है ना? बॉन्ड होगा, है ना? अगर हम इसको केमिकली सेल्यूलोज को क्या करें, हाइड्रोलाइज करें, तो उसके लिए हमें लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और टेम्परेचर हाइयर और प्रेशर लगेगा, है ना? दैट मीन्स वेन वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज केमिकली रिक्वायर्स यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड, है ना? केमिकल हाइड्रोलाइसिस अगर करें, केमिकल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज रिक्वायर्स क्या लगेगा? रिक्वायर्स स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाई टेम्परेचर एंड क्या लगेगा? प्रेशर, ठीक है? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? तो ये सेल्यूलोज के बारे में, ठीक है? आगे तो सेल्यूलोज का हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखना है, जिसके अंदर में हमने कहा है कि बीटा क्या होता है? 1.4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. बीटा 1.4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपको. चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग. तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे कौन सी चीज कैसे तरीके से एड हो रही है. ये फर्स्ट मोनोसैकेराइड है यूनिट, यहां पे ये ऑक्सीजन रहेगा, ये ऑक्सीजन, और इस साइड में फिर से बॉन्डिंग आगे कंटिन्यूअसली चलती रहेगी आगे, ठीक है? ये फोर्थ नंबर का कार्बन होगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा दें. ये फिफ्थ नंबर कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, और ये सिक्स नंबर कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप होगा. दिस वन इज सिक्स नंबर ऑफ कार्बन. यहां पे ये थर्ड नंबर का कार्बन होगा, ठीक है? यहां पे H, OH, यहां पे फिर से क्या होगा? H होगा. फिर इसी को हम लोग बॉन्डिंग में लेके आएंगे, ठीक है? अब यहां पे ये सेकंड यूनिट होगा, यहां पे ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, है ना? तो ये
ये फर्स्ट नंबर का होगा, ये सेकंड नंबर, दिस वन इज थर्ड नंबर, ठीक है, और ये फोर्थ नंबर होगा, ठीक है, फिर से ये फिफ्थ होगा, ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो यहाँ पे अब थर्ड के अगर हम अरेंजमेंट देखें तो इस तरीके से होगी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एच टू, ये रहेगा हमारा ओ एच, ये सिक्स नंबर, फिफ्थ नंबर, थर्ड नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे एच ओ एच। फिर ऐसे ही बॉन्डिंग चलेगी तो वो ऑक्सीजन से इंटरकनेक्ट करके हम लोग लगाएंगे, ठीक है। नजर आ रहा है आपको, ठीक है, चलिए तो यहीं से आगे कंटिन्यू होता रहेगा, वो यहीं से आगे चलेगा, यहाँ पे फिर से आगे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर से ऑक्सीजन आएगा, फिर से आगे चलता रहेगा। चलिए तो यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन लगा सकते हो, यहाँ पे एच, ये ओ एच, यहाँ पे ओ एच, एच, यहाँ पे तो आपको पता ही है हाइड्रोजन लगेगा, फिर यहाँ पे एच होगा, और ये सी एच टू क्या रहेगा, ओ एच रहेगा, जो कि फिफ्थ नंबर कार्बन, एंड दिस वन इज सिक्स नंबर, दिस वन इज फोर्थ नंबर, ठीक है, एंड दिस वन इज फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स लिंकेज कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, वन और फोर, तो इसको बोलेंगे हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज का, ठीक है, सेल्यूलोज देखा हमने, अब आगे देखना है हमें ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है ना। अब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो होता है तो अमाइलोपेक्टिन के जैसे ही होता है, तो हेडिंग दे दे हम लोग, हेडिंग दे देंगे ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन, स्ट्रक्चर दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन, लेकिन बट इट इज मोर हाईली ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, मोर हाईली ब्रांच्ड, ये ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया ग्लाइकोजन, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा अमाइलोपेक्टिन की तरह, जो कि अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हमें पहले भी देखा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा प्रोटीन्स, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, प्रोटीन्स, क्या देखेंगे, प्रोटीन्स, अगला पॉइंट देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में हमें पता है कि प्रोटीन्स ये क्या होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं एनिमल बॉडीज के लिए, दैट मीन्स प्रोटीन्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल, दैट मीन्स प्राइम रोल इन ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब प्रोटीन्स क्या होते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके अंदर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स, जो कि बेसिक नीड होती है ना। तो ये प्रोटीन, ये वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, ठीक है, इससे बना हुआ है प्रोटियोस से, ठीक है। मतलब क्या होता है ग्रीक वर्ड में प्रोटियोस का, मतलब प्राइमरी, है ना, जिसका खुद का ही इंपॉर्टेंस होता है ना, प्राइम इंपॉर्टेंस,
ठीक है। और ये न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, जहां पे हमें प्रोटीन्स मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो यहां पे लिख देता हूं सोर्स कहाँ कहाँ मिलता है। देखो प्रोटीन्स हमें मिलते हैं मिल्क, पल्सेस, ठीक है, फिर उसी के साथ साथ फिश, नट्स, फिश हो गया, नट्स हो गया, और फिर उसी के साथ साथ मीट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मिलते हैं, है ना, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसके अंदर में हमें क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है, है ना। केमिकली अगर चीज सोचें तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, कि वन टाइप ऑफ क्या होते हैं ये प्रोटीन्स, पॉलीमर्स होते हैं, है ना, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स यूज, इसके अंदर में प्रोटीन में जो मोनोमर यूज होगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर वन टाइप ऑफ पॉलीमर्स, है ना, जिसके अंदर में पॉलीअमाइड प्रेजेंट होता है, क्या रहेगा, पॉलीअमाइड, ओके, पॉलीअमाइड विच आर, पॉलीअमाइड विच आर हाई, हाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स, मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में जो मोनोमर यूज होगा, है ना, पॉलीअमाइड का, है ना, तो मोनोमर यूज होंगे तो वो कौन से होंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स यूज होंगे, जैसे हमने कहा कि पॉलीअमाइड, है ना, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मतलब पॉलीअमाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर में जो मोनोमर यूज होगा अल्फा अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड के बारे में, चलिए अल्फा अमाइनो एसिड्स के बारे में आगे जानते हैं। मैं हेडिंग दे देता हूं अल्फा अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जब भी प्रोटीन्स का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, है ना, प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस गिव्स और गिव राइज टू मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर मिलेगा, कौन सा मिक्सचर मिलेगा वो देखेंगे, मिक्सचर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स, एसिड्स, है ना, अल्फा अमाइनो एसिड्स मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, है ना, अमाइनो ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, ये देखो अमाइनो ग्रुप दैट मीन्स NH2 ग्रुप, और उसी के साथ साथ COOH ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि उसके अंदर में अलग अलग अल्फा अमाइनो एसिड्स कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। चलिए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम लोग नेचुरल अमाइनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मिक्सचर जो मिलता है तो अलग अलग टाइप के अल्फा अमाइनो एसिड्स हमें मिलेंगे, जैसे मान लो आर सी एच सी ओ ओ एच और उसी के साथ साथ ये एनएच टू ग्रुप, ठीक है, मतलब ये अमाइनो ग्रुप और ये एसिडिक ग्रुप, है ना, अमाइनो एसिडिक ग्रुप, ठीक है। और जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना, है ना, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। और ये कार्बन कैसे होगा, ये वाला सेंट्रली लोकेटेड कार्बन काइरल कार्बन होगा, क्योंकि चार ही चार जो बॉन्ड बने हैं कार्बन के, तो चार बॉन्ड अलग अलग एटम्स के साथ या मोलिक्यूल्स के साथ बने हुए हैं। देखो जैसे मान लो एक साइड में आर आ गया, दूसरे साइड में एनएच टू, तीसरे साइड में सी ओ एच और चौथा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो
है ना, इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है तो इसलिए मैं कायरल को ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये एच सी ओ एच, यहाँ पे एन एच टू, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा आर। ठीक है, या तो फिर इसी को हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं सी एच टू सी ओ एच, और यहाँ पे एन एच टू भी लगा सकते हैं, ये अल्फा हो गया। ठीक है, ये होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है ना, एन एच टू ग्रुप इज अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम ऑन विच सी ओ एच ग्रुप इज अटैच, दोनों भी एक ही कार्बन पे अटैच होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स हम देख सकते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, एसेंशियल होते हैं। अगेन ओके, तो ऐसे लिस्ट भी आपके पास में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो लिस्ट होती है उसके बारे में देखते चलिए। ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये पूरे के पूरे क्या है, नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं। नेचुरल अमाइनो एसिड जिसके अंदर में ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ल्यूसिन, एसोल्यूसिन, एस्पार्जिन, है ना, ग्लूटामाइन, सीरीन, थ्रियोनाइन, सिस्टेइन, मेथियोनाइन, फिनाइलानाइन, थायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलाइन। ठीक है, और उनके ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको साइड में बता दिए हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं। ठीक है, मतलब आर जो हम ले सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो आर की जगह पे ये सारी चीजें हम अटैच कर सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स में, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे मान लो कि उसी के अंदर में हमें पॉइंट अगला जो देखना है प्रोटीन्स के बाद, ओके, अलग अलग फॉर्म भी देखेंगे प्रोटीन्स के, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहेंगे और प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स में उनका क्या रोल होता है। ओके, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और रिवाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिविजन अगर से ना होगा तो हम लोग जितना भी देखते चलेंगे तो एट द एंड ऑफ हमें बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, फिर उससे हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। तो रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।